लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैदल चल रहे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की हैं। इसके बाद प्रशासन भी अब मजदूरों की घर वापसी को लेकर काफी ज्यादा सजग नजर आ रहा है। इसी के तहत जयपुर के सोडाला में बिहार के कुछ मजदूर पैदल चलते हुए दिखाई दिए। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के जवान ने तुरंत उन्हें रुकवा कर कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी, तो वहीं सूचना के बाद मजदूरों को रोडवेज बस से शेल्टर होम भेजा गया। इसके बाद में अब मजदूरों को स्क्रीनिंग कर उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। इस दौरान मौके पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। प्रदेश के अंदर प्रवासी मजदूरों को लगातार घर पहुंचाने के लिए अब राज्य सरकार जो है काफी मुस्तैद नजर आ रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि कोई भी मजदूर पैदल ना जाए, जो भी पैदल जा रहे हैं उनको जो है बस और रेल के माध्यम से जो है घर भेजा जाए, उनको रोका जाए। तो इसी कड़ी में आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर की सड़कों पर जो लोग हैं अपने घरों की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो कुछ लोग जो है बिहार के रहने वाले हैं वो घर जा रहे थे, यहाँ पर पुलिस ने इनको रोका है। हम जाना नहीं चाह रहे थे प्लेटफार्म ना, हम सोचे कि वहाँ गाड़ी मिल जाएगा तो वहाँ से चले, नहीं तो कोई सुविधा जरूर करेगा पुलिस वाला। पुलिस वालों ने आपको रोका क्या था? हाँ, हमको बोला कि आप लोग यहीं रोको, हम मैंने तुम्हारा व्यवस्था करते हैं। यहाँ से ये लोग जो है पैदल निकलने या फिर यहाँ से जो सरकार की तरफ से जो अलग अलग सेंटर्स बनाए गए जहाँ पर बसों के माध्यम से जो है भेजा जा रहा है, तो वहाँ पर जाने के लिए थे, लेकिन पुलिस ने इनको रोका है और इनको कहा है कि आपके लिए यहाँ से बस भेजी जाएगी और बस के माध्यम से भेजा। बताएं सर किस तरीके से मजदूर कहाँ जा रहे थे? ये सर किशनगढ़ से आ रहे थे और किशनगढ़ से इन्होंने कहा कि हम बिहार जाएंगे, तो मैंने रुकवाया, रुकवा कर क्या किया और कंट्रोल रूम को सूचना दी। कंट्रोल रूम से मुझे बताया गया कि इनको रोको, अभी इनकी गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। मैंने इनको रुकवा लिया गया और कंट्रोल ने गाड़ी भिजवा दी, अब इनको रवाना कर रहा हूँ सर गाड़ी से रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं कि अब इन मजदूरों को जो है बस के माध्यम से भेजा जाएगा। अब ये बस जो है रोडवेज की मौके पर आई है, इस बस में जो है इनको बिठाया जा रहा है और ये लोग जो है अब काफ़ी खुश है क्योंकि पैदल चलने को मजबूर थे और प्रशासन ने जो है सजगता दिखाते हुए इन मजदूरों को अब यहाँ से बस में ले जाया जा रहा है। इसके बाद इनको जो है प्रशासन का जो सेंटर है जहाँ पर मजदूरों को घर भेजा जा रहा है वहाँ ले जाया जाएगा। इसके बाद इनके लिए जो है या ट्रेन के माध्यम से या किसी और माध्यम से इनको घर पहुँचाने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आप देख सकते हैं मजदूर जो है यहाँ पर जो पैदल चल रहे थे ये लोग किशनगढ़ से जो है किसी साधन के माध्यम से पहुंच गए थे जयपुर शहर, उसके बाद यहां से स्टेशन की तरफ जा रहे थे कि कोई गाड़ी मिल जाए, पैदल चल रहे। तो यहां पर ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, उन्होंने सजगता दिखाई और कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। इसके बाद कंट्रोल जिला प्रशासन की ओर से इनके लिए जो है एक रोडवेज बस भेजी गई है। अब इन बस के माध्यम से इनको जो है सर इनको बस से कहाँ ले जाया जाएगा, कैसे भेजा जाएगा? आर के स्वास्थ्य नगर में आर के होनी है क्या, वहाँ पर इनका क्वारंटाइन के लिए वो बना रखा है, वहाँ जाएंगे। अभी ये तीन चार आदमी और खड़े हैं, उनको भी लेना है गंगा, तीन चार आदमी को और लेना है और फिर वहाँ पर स्वास्थ्य नगर जाएंगे। इनको जो है सेंटर पर भेजाएगा जहाँ पर मजदूरों के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं, उसके बाद इनको जो है यहाँ से घर भेजने का इंतजाम किया जाएगा। फिलहाल जो है इन मजदूरों को यहाँ से जो है ले जाकर जो है शास्त्री नगर स्थित एक सेंटर होम है वहाँ पर भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ हनुमंत सिंह चारण, A1 TV जयपुर।